हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू किचन एंड गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ जुगाड़ मैं बताऊंगी जो मैं की हूँ अपने टेरेस पे। तो फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आप लोग को सब लोग को बोलना चाहती हूँ हैप्पी सावन। और अभी सावन का महीना चल रहा है फ्रेंड्स, तो अब पूरे चारों तरफ ही मतलब अच्छी अच्छी लीफ आए हुए हैं बारिश का टाइम में, और बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश लगता है सब कुछ। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि काफ़ी टाइम से मैं स्क्वायरल से परेशान थी और बर्ड्स से भी, जो हमारे फ्रूट्स को खा जाते थे। तो उसका मैंने मतलब बहुत मैंने ट्राई किया ऑनलाइन, मैंने बहुत सारे ये फ्रूट प्रोटेक्टर करके सर्च करके मैंने नेट भी मंगवाया, लेकिन उससे भी उसके साथ ही स्क्वायरल उसे खा जाता थे। तो मैं इस बार सोची क्यों ना उसके लिए एक देसी जुगाड़ करती हूँ। तो फाइनली वो देसी जुगाड़ मेरा तो सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन मैं और भी बताऊंगी, उसके थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं, तो वो मैं आपको साथ में दिखाऊंगी उसके बाद। और आज मैं हार्वेस्टिंग भी करने वाली हूँ इस वीडियो में, प्लस मैं इस वीडियो में आप लोग को मैंगो की भी अपडेट्स दिखाऊंगी कि हमारा मैंगो अभी बिल्कुल ही रेडी हो चुका है, लगभग मतलब तैयार हो चुका है, लेकिन वो पका नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक झिंगी की पहले हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको देसी जुगाड़ दिखाऊंगी क्या मैंने क्या किया है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मुझे तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है ये करने के लिए, गार्डनिंग में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो फिर भी मैंने एक सीड्स लगाए थे इस तरीके से बड़ी वाली झिंगी के, तो देखिए इसमें एक झिंगी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ, अभी इस तरीके से पूरा फैली हुई है, और इस तरह से मैंने देखिए पॉट में लगाया है, और इसमें मिक्स है, देखिए छोटी वाली ये सतपुतिया जो बोलते हैं वो छोटी वाली झिंगी भी है इसमें आए हुए हैं, आ रहे हैं, रूटिंग हो रही है मुझमें। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा गुआवा का ट्री। तो गुआवा का ट्री जनरली जब भी हमारे गुआवा थोड़े से बड़े होते थे इस साइज़ के, लगभग मैं आपको दिखा रही हूँ इतना, तो स्क्वायरल इसे क्या करते थे इस टाइम में ही खा जाते थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, उसके बावजूद अगर फ्रूट मुझे खाने को ना मिले तो बहुत बुरा लगता था। तो मैंने क्या किया कि एक देसी जुगाड़ किया है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से जो, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी भी नहीं करना था, इसलिए मैंने पानी की जो बॉटल होती है विस्लरी या कोई भी जब मिनरल वाटर पीते हो उसका बॉटल का वेट होता है जो काफ़ी मतलब कम होता है, लाइट होता है, तो उसको मैंने दो मतलब डिवाइड किए, मतलब उसको टू पार्ट्स मैंने किए हैं। और उसके बाद देखिए इधर, अब तो फ्रेंड्स इसको जुगाड़ बनाने के लिए आपको क्या करना, एक बॉटल लेना है पानी का बॉटल जो ये मिनरल वाटर का आता है, क्योंकि वो लाइट वेट लेना है आपको, क्योंकि क्या होगा ना कि अभी देख सकते हो हेवी होने से ये इस तरह से होता है तो प्लांट भी ख़राब हो सकते हैं, इसलिए जितना से जितना हो सके लाइट वेट का ही आप बॉटल ले। और उसके बाद क्या करना, उसको डिवाइड कर दीजिए, कट कर दीजिए, एंड देन उसके बाद मैंने इसमें होल्स कर दिए हैं छोटे छोटे इस तरीके से, जिससे कि इसमें हवा का आना जाना बना रहे, हीट ना हो बॉटल ज़्यादा, और फ्रूट जिससे कि ख़राब नहीं होंगे। तो ये मेरा सक्सेसफुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स, मेरा खुद का ये था एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने ये ट्राई किया और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हो गई, और थोड़ा सा तो नहीं हो पाई लेकिन कोई बात नहीं। इस तरीके से इस सिक्योर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था मुझे, तो क्योंकि स्क्वायरल इधर भी घुस जाता, आप देख सकते हो, देखिए इसको किस तरीके से स्क्वायरल ने डैमेज किया, अभी भी देखिए इसके बावजूद भी कैसे उसने खाया है इसे, देख सकते हो पूरा ये, इसका साइज अभी नहीं बढ़ पा रहा है। तो अभी मैं इसे ओपन करूँगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन करने के लिए मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इसे बाइंड करने में मैंने इनकी ही हेल्प ली थी, वो ही इसे अच्छे से मतलब बाइंड कर रहे हैं, अच्छे से इसे लॉक करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो स्क्वायरल काफ़ी छोटा होता है, वो अंदर घुसकर पूरा फ्रूट्स खा लेता। बहुत ही केयरफुली इसे ओपन करना पड़ता है, तो ये देख सकते हो। मैं अभी इसे बॉटल से बाहर निकालूंगी, एक और है तो उसको भी अच्छे से निकालना होगा,
तो मैं निकालने के बाद फाइनली आपको जब वायर निकल जाएंगे तो दिखाती हूँ उसके बाद। तो इस तरीके से था, अभी देखिए ये अभी और ये बड़ी होती लेकिन इस बॉटल के वजह से छोटा सा साइज इसका फ्रेंड्स, और हमारे पास इससे ज़्यादा बड़े बॉटल भी नहीं थे क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वांटिटी में बॉटल्स की ज़रूरत थी। देखते अब बहुत सारे फ्रूट्स मैंने अभी कवर भी नहीं किया है, तो इन सबको मैं उसमें अब कवर करूँगी। तो आप देख सकते हो कितना प्यारे गुआवा है, बट इसको भी इन्होंने डैमेज कर दिया। आप देखो कितना इधर इधर से। तो अब मैं इसे कट करती हूँ आप लोग के सामने, इधर से ही मैं करती हूँ। ये देखो पककर पूरा रेडी हो चुका है। और एक और है, टेस्टी और यमी गुआवा। तो फ्रेंड्स इसमें भी एक पका हुआ मुझे लग रहा है ये देखने में, बट इसको निकालने के लिए पूरा मुझे खोलना फिर से पड़े। तो इसमें भी एक पक चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसका भी एक निकाल देती हूँ ताकि दूसरे की अच्छी तरीके से ग्रोथ हो सके। तब तक मैं आप लोग को इधर दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स अभी भी इसमें फ्रूटिंग, देखिए इस तरीके से फ्लावर आ रहे हैं। और ये देखिए, और देखिए छोटे छोटे इधर भी आए हैं हमारे गुआवा। और छोटा सा ही हमारा प्लांट है फ्रेंड्स गुआवा का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और इसमें मैंने एक चिलीज प्लांट भी लगा रखे हैं। तो अभी जो मैंने आपको 2 से 3 मंथ पहले मैं ये विंटर में लगाई थी चिलीज का प्लांट, और अभी तक देख सकते हैं इसमें फ्रूटिंग हो रही है, कंटिन्यू फ्रूटिंग हो रही है। तो मुझे इधर से ही कट करना होगा। तो देखिए एक तो थोड़ा ज़्यादा पका हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ ना फ्रेंड्स, ये वाला बॉटल काफ़ी छोटा पड़ गया। बॉटल का ऊपर का साइड जो होता है फ्रेंड्स वो काफ़ी छोटा होता है, नैरो होता है ना, तो उसमें ये दो गुआवाज एक साथ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इसकी वजह से मुझे दोनों की हार्वेस्टिंग करनी पड़ी आज। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 4 गुआवाज की हार्वेस्टिंग कर ली है। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे गुआवाज आए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ बाकी की प्लांट की अपडेट्स में। तो यहाँ पे जो मैंने पपाया ट्री लगाया था फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो पपाया ट्री, ये जो फर्स्ट वाला जो पहले का मेरा पपाया ट्री था वो है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आप देख सकते हो मैंने इसका प्लेस थोड़ा चेंज कर दी हूँ, साइड में कर दी हूँ। और ये जो छोटा वाला जो मैं पपाया ट्री बाद में लगाई थी, जो ये 2 मंथ्स हो चुका है ना लगाए हुए, 2 मंथ्स पहले लगाई थी, अभी देखिए ये भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसमें भी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी फ्रूट नहीं आए हैं। देख सकते हो फ्लावर आपको दिख रहे होंगे, और देख सकते हैं नीचे दिखाइए। देखिए छोटे से मैंने पॉली बैग्स में ही लगाए, होममेड पॉली बैग्स मैंने बनाए थे जिसमें, और ये देखिए इसका फ्लावर में इसमें आया है। मैं देखती हूँ अब दोनों पॉलिनेट करके इसमें फ्रूट बनते हैं या नहीं, नेक्स्ट अपडेट्स में आपको दिखाऊँगी। और हमारा यहाँ पर अब है पोमोग्रेनेट प्लांट फ्रेंड्स, जिसे मैंने सीड्स के थ्रू ग्रो किए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान थी स्क्वायरल से, तो इसमें भी मैंने वही देसी जुगाड़ अपनाया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट आए थे फ्रेंड्स। बहुत सारे पोमोग्रेनेट ने तो को स्क्वायरल ने तो ख़राब कर दिया था। देन उसके बाद हमारे दिमाग में ये आइडिया आया, तो बाकी जो बचे हुए थे फ्रेंड्स वो सबको मैंने देखे इस तरीके, तो देखिए इस तरह से मैं डाली हूँ। अब देखती हूँ ये सक्सेसफुल कितना होता है, ये पूरी तरीके से 100% रेडी होते हैं या नहीं। ये देखिए इस तरीके से इसमें भी है, इधर भी है और इधर भी है। देखिए दो को इस तरीके से कंबाइंड करके की हूँ, और बहुत सारे पोमोग्रेनेट इसमें आए थे, लगभग 15 पोमोग्रेनेट, तो सबको मैं की हूँ। कुछ कुछ ख़राब, बहुत ज़्यादा रेनिंग इधर होने की वजह से कुछ कुछ ख़राब भी हो गए। लेट्स सी फाइनल रिजल्ट मैं आप लोग को शेयर करूँगी जब हार्वेस्टिंग करूँगी तो। और नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ हमारा मैंगो ट्री। आप देख सकते हो कितनी बड़ी हो चुकी है, हमसे भी मेरे से भी बड़ा हो गया ये काम, जबकि इसे आई थिंक 2 ईयर्स हो चुका है इसे लगाए हुए हमारे टेरेस पे, लगभग 2 ईयर्स हुआ है। और कोरोना के टाइम में लगाए थे ना हम लोग 2020 में मैंने इसे लगाया था। अभी देखिए अभी भी इसमें, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, सावन का महीना है, जुलाई का टाइम चल रहा है
और इसमें अभी भी देखिए छोटे छोटे फ्रूट आए हैं, बट ये सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं फ्रूट। ये ब्रांड हमारा है मैंगो, मैं आपको दिखा रही हूँ, घुमाएंगे घूमेगा। खिंचा जा रहे हैं हाँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मैंगो, प्यारा सा मैंगो। और ऐसे देखिए मैंगो हमारा, ये मैं अगर कच्चा मैं इसे तोड़ना चाहूँ तो बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है, बट मैं इसे पकने के लिए ही छोड़ूंगी। एक इधर है देखिए छोटा सा। तो फ्रेंड्स ये तो छोटे से कंटेनर में मैं इसे लगाई हूँ, आप देख सकते हो चार मैंगो मुझे मिला, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा इसके साथ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज की वीडियो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। मैंने आपको अपने टेरेस गार्डन के सारी अपडेट्स दिखा दिए हैं फ्रेंड्स, और चूँकि मैं अभी काफ़ी थोड़ा बिजी रहती हूँ इसकी वजह से ज़्यादा वीडियोज अपलोड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर से पूछें। ओके फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।